कितना निष्ठुर है सर। यदि प्रभु एक क्षण रुक जाते तो कम से कम माँ से भेंट तो कर पाते। कितने समय से वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और माँ माँ भी कितनी उत्साहित थी प्रभु से मिलने के लिए, पुत्र प्राप्ति की सूचना देने के लिए, अपनी प्रसन्नता प्रभु के साथ बांटने के लिए। परंतु कैलाश में महादेव को ना पाकर माँ को कितनी पीड़ा हुई होगी। प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी। ये कैसी लीला रच रहे हैं आप? कैलाश का कर्ण कर्ण मुझे बता रहा कि आप मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल थे, परंतु अब जब मैं यहाँ आ गई तो आप मुझे अपने दर्शन नहीं दे। ऐसा क्यों प्रभु? कहाँ हैं आप? यहाँ देवी पार्वती प्रभु महादेव से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी और उधर गजासुर ने अपने भाई के साथ महादेव से वरदान लेने का प्रण किया था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, महादेव को वहां से जाने मत देना। महादेव तो भोले, वो हमारी बात मान लेंगे, किंतु विष्णु वो बहुत चालाक है। यदि उसे पता चला तो वो हमारी योजना को भी असफल कर सकता है। उसने पहले भी हमारे साथ छल किया था। हो सकता है कि महादेव एक बार लौट जाए तो उन्हें पुनः पकड़ने का अवसर मिलना असंभव हो जाए। इसीलिए किसी भी मूल्य पर उन्हें अपने उदर में बसने के लिए विवश करना होगा गजासुर। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अमर हो जाओगे। और हम दोनों भाई संसार के सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएंगे और तीनों लोकों का शासन हमारी मुट्ठी में होगा। नंदी, महादेव कहाँ है? कैसे बताएं माता को कि प्रभु भक्त को दर्शन देने गए हैं? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये रक्तिम आकाश, ये तीव्र वेग से चलती आई, ये तो अशुभ के संकेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, प्रणाम महादेव। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई गजासुर। अमरता के अतिरिक्त जो मांगना है मांगो वरदान में। मुझे आपसे दो वरदान चाहिए महादेव। पहला तो ये कि मेरे तन से निरंतर ऐसी अग्नि निकलती रहे जिसके कारण कोई भी देवी देवता, सुर गंधर्व, मानव दानव ऋषि मुनि कोई भी मुझे छू तक ना पाए। तथास्तु। और मेरी दूसरी इच्छा यह है महादेव कि आप मेरे उदर में निवास करें। अब से यही आपका निवास स्थान होगा प्रभु, सदैव सदैव के लिए।
उसने ऐसा वरदान मांगने के बारे में सोचा भी कैसे गुरुदेव? ये संपूर्ण सृष्टि महादेव के उदर में बसती है, इसीलिए तो माँ पार्वती ने हलाहल को प्रभु के कंठ के नीचे जाने से पहले ही रोक दिया था। यदि प्रभु ही किसी के उदर में चले गए तो इस सृष्टि का तो सर्वनाश हो जाएगा। महादेव ने भी गजासुर को यही समझाने का प्रयास किया, परंतु विनाश के समय बुद्धि साथ छोड़ देती है गरुड़। तो क्या वो असुर महादेव के मना करने के बाद भी नहीं माना? फिर क्या हुआ गुरुदेव? व्रत वो अनुष्ठान है गरुड़, जिसके माध्यम से भक्त भगवान को भी बांध देता है। जब ऋषि सूर्य के उदय होने से पहले अर्घ देने का अनुष्ठान करते हैं, तो सूर्य देव को भी अपनी परिक्रमा पूरी करके ठीक समय पे उनके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। यही नियम, इसी अनुशासन से संसार का संतुलन सदा। गजासुर की इच्छा अनुचित अवश्य थी, पर तपस्या की शक्ति से बंधे महादेव उसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। पर हाँ, उन्होंने गजासुर से एक विनती अवश्य की थी। यदि यही तुम्हारी इच्छा है गजासुर, तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम्हें मुझे समय देना होगा। बड़ी तपस्या के बाद आज देवी पार्वती कैलाश लौट रही है, और मुझे वहां ना पाकर वो अत्यंत व्याकुल हो जाएंगे। सत्य तो यह है कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। भले ही मेरा मिलन एक क्षण का ही क्यों ना हो, भले ही उनसे मिलने के उपरांत मुझे यहां तुरंत लौटना पड़े, पार्वती शक्ति है मेरी। प्रभु से वियोग के कारण विचित्र सी बेचैनी का आभास हो रहा है मुझे। मुझे उनसे भेंट करनी ही होगी। क्षमा कीजिएगा महादेव, परंतु यदि आपको यहां से जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है मेरे लिए, और मुझे अपने प्राण अत्यधिक प्रिय हैं। आपने मुझे वर दिया है महादेव, और आपको अपने वचन का पालन तो करना ही होगा। इसी क्षण से आपको मेरे उदर में निवास करना ही होगा प्रभु। गजासुर की मांग सुनकर समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। सब यही सोच रहे थे कि यदि महादेव ने गजासुर की मांग पूरी कर दी तो पार्वती से शिव का मिलन कैसे हो पाएगा। जब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती थी, तब मैंने आपके लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की थी प्रभु। क्या मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी महादेव? मुझे क्षमा करना पार्वती, मुझे क्षमा करना पार्वती, मुझे क्षमा करना पार्वती, मुझे क्षमा करना पार्वती। बहुत ही अनुचित होने वाला है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही विनाशकारी।
नंदी जी, माता को ये क्या हो रहा है? माँ के भीतर जो प्रेम की ऊष्मा थी वो अब क्रोध की ज्वाला बन रही है। माँ अपना रौद्र अवतार दुर्गा अवतार ले रही है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो समस्त संसार को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो। जब स्वयं शक्ति ही क्रोध करे तो इस जगत की रक्षा कौन करे? सखी पार्वती के क्रोध को शांत करने की क्षमता केवल महादेव में है, ब्रह्मदेव। और अब वही गजासुर के उदर में है। ऐसे में कौन शांत करा सकता है इन्हें? मैं नहीं जानता मैं इन्हें शांत कैसे करूंगा। हम सब साक्षी, जब महादेव को देवी पार्वती का विरह सहना पड़ा था तो सभी प्राणी त्राही त्राही कर उठे थे। ऐसा तांडव हुआ था कि ये संसार विनाश के द्वार पर आ खड़ा था। देवी पार्वती भी महादेव की अर्धांगनी, उनकी शक्ति है। इसलिए जब इन्हें क्रोध आएगा तो वो क्या करेंगे ये मैं भी नहीं जानता। देवी, आपके पास तो हर क्षण का लेखा जोखा होता है। बताइए कहाँ है महादेव? गजासुर ने भोलेनाथ से वरदान मांगकर उन्हें विवश कर दिया है देवी, और लिंग रूप में परिवर्तित करके अपने उदर में बसा लिया है। गजासुर शांत हो जाइए देवी, क्रोध का त्याग कीजिए। इस संसार में सब आपकी ही तो संतानें, उनके बारे में सोचिए देवी। आपके इस रुद्र रूप से सब नष्ट हो जाएगा, शांत हो जाइए। कितने निष्ठुर हैं आप! आप तो इस संसार के संचालक हैं, और फिर भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। मुझे मनवांछित वरदान तो दिया, पर मेरे पति की, अपने सखा महादेव की रक्षा नहीं की आपने। आप अच्छी तरह जानती हैं देवी, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता, मैं भी नहीं। पर भक्ति तो मैंने भी आपकी की थी विष्णु, और आप मेरी भक्ति से प्रसन्न भी हुए थे। फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध ये अवरोध कैसे आ गया? आप अच्छी तरह जानते हैं विष्णु कि मैं और महादेव एक दूसरे के बिना अधूरे, ना वो मेरे बिना जी सकते हैं
और मेरा जीवन उनके बिना संभव नहीं है। ये भूल आपसे हुई है विष्णु, आपसे हुई है विष्णु, आपसे हुई है विष्णु, और अब आपको ही इसे सुधारना होगा, और अब आपको ही इसे सुधारना होगा। महादेव को वापस लेकर आना होगा आपको। देवी, मैं कैसे? क्यों और कैसे का उत्तर आप स्वयं खोजिए विष्णु, पर कब का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। मंगल स्नान के बाद, मेरी पूजा समाप्त होने से पहले तक यदि महादेव मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी, स्वयं उस गजासुर का वध करके अपने पति को मुक्त कराऊंगी मैं। पर स्मरण रखिएगा, यदि मुझे ये करने के लिए विवश होना पड़ा तो समुद्र सूख जाएंगे, पर्वत भस्म का ढेर बन जाएंगे, धरती अग्नि उगलेगी और बादल रक्त की वर्षा करेंगे। यदि मुझे रौद्र रूप धारण करना पड़ा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा विष्णु। और ये आप भी जानते हैं कि मेरे उस अवतार के क्रोध पर महादेव की अतिरिक्त और कोई नियंत्रण नहीं पा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तो फिर प्रभु ने क्या किया गुरुदेव? गजासुर का पहला वरदान तो ये था कि उसे कोई छू भी नहीं पाएगा, तो फिर प्रभु विष्णु महादेव को छुड़ाकर कैसे लाए? प्रभु विष्णु के लिए समस्या केवल गजासुर नहीं था, उसका भाई गजमुखासुर भी था, जो सृष्टि में अंधेरा होते ही समझ गया था कि उसके भाई की तपस्या पूरी हो गई और अब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। संसार पर ऐसी भीषण विपदा पड़ी थी जो ना तो किसी ने कभी देखी थी और ना ही सुनी थी। प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव के पास इन दोनों समस्याओं में से किसी का भी समाधान नहीं था और समय उनके हाथों से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा था। आप चिंता मत कीजिए देवी, प्रभु विष्णु ऐसा ही करेंगे। हां देवी, जो आवश्यक होगा वो सब करूंगा, पर महादेव को वापस अवश्य लेकर आऊंगा, समय से पहले और किसी भी मूल्य पर। देवी पार्वती को मैंने वचन तो दे दिया, किंतु गजासुर को मिले वरदान के कारण उसे हराना असंभव है। पर यदि देवी पार्वती के मंगल स्नान के पूर्ण होने से पहले मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो इसका परिणाम पूरे संसार को भोगना पड़ेगा।